जबलपुर में यूडब्ल्यू की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूडब्ल्यू की टीम ने यहाँ एक ईसाई धर्मगुरु यानी बिशप के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। रेड में करोड़ कैश के अलावा विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। छापे में मिली दौलत गिनने के लिए ईओडब्ल्यू को मशीन तक बुलानी पड़ी है। बिशप पर फीस के करोड़ों रुपए धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करने का आरोप है। अब तक की जांच में बिशप के पास से 1,26,00,000 नगद बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा डॉलर और पाउंड्स भी मिले हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम बिशप के घर और ऑफिस से उनके द्वारा की गई वित्तीय गड़बड़ियों के दस्तावेज खंगाल रही है। 2015 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच DSP मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2,70,00,000 रुपये का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था, तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप PC सिंह के घर और दफ्तर पर की है। बिशप पर सोसाइटी के स्कूलों की फीस के रूप में मिले 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में घोटाला करने का आरोप है। इस रकम को उन्होंने निजी कामों में खर्च करने के साथ ही धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर किया है। संभावना है कि अभी और संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट MP तक।